हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज शिवानी मिश्रा। प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और इसके साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा और इस वीडियो को लास्ट तक वॉच कीजिएगा। तो चलिए डिज़ाइन की तरफ चलते हैं। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल डिज़ाइनपुर में। तो आज मैं आपको बैग ब्लाउज डिज़ाइन बताने जा रही हूँ। ये ब्लाउज बहुत ही लेटेस्ट है। तो देखिए, मैंने ब्लाउज की जो लेंथ रखी है 13.5 इंच और 3 इंच की यहाँ से चौड़ाई देते हुए मार्किंग करेंगे और नीचे के साइड भी देखिए सेम वही 3 इंच की चौड़ाई पे मार्क कर देंगे। अब गले का लेंथ लेंगे तो उससे पहले मैं इसको एक स्ट्रेट लाइन से बराबर कर दिया है। अब गले का लेंथ मैं 10 इंच रख रही हूँ तो 10 इंच पे मार्क कर लेते हैं, इसको बराबर कर देंगे बिल्कुल। अब गले की डिज़ाइन बनाएंगे तो ये बहुत ही अलग डिज़ाइन है, आप देख लीजिए। तो मैं मार्किंग कर दे रही हूँ पूरा डिज़ाइन की। मैंने मार्किंग देखिए कर ली है डिज़ाइन की, सेम ऐसे आप भी मार्क कर दीजिएगा। अब इसको हम कट कर देते हैं। मैंने गले को देखिए कट कर दिया है, ये गला मेरा कट चुका है। अब मैंने ब्लाउज का कपड़ा लिया है, इसको बिल्कुल बराबर कर देंगे और इसका भी गला सेम उसी तरीके से कट करेंगे जैसे मैंने अस्तर का कट किया है। तो मेरा देखिए गला दोनों का कट चुका है बिल्कुल अच्छे तरीके से। इसकी हम स्टिचिंग करेंगे तो अच्छे तरीके से फैला लीजिएगा एक दूसरे को, एक दूसरे के बराबर कर देते हैं हम। अब हम अच्छे से पूरा गले की स्टिचिंग कर लेंगे। ये मेरा बहुत ही आज मैं आपको स्टाइलिश डिज़ाइन बताने जा रही हूँ। अगर आपको मेरी ये डिज़ाइन अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको मेरी ये डिज़ाइन कैसी लगी और प्लीज़ इस डिज़ाइन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो देख लीजिए मैं कैसे स्टिचिंग कर रही हूँ दोनों को, बिल्कुल अच्छे से स्टिचिंग कीजिएगा, कहीं से भी आपका सिलाई इधर उधर ना हो, नहीं तो आपका ये डिज़ाइन अच्छे से नहीं बन पाएगा। तो मैंने कम्प्लीटली देखिए ब्लाउज के गले की स्टिचिंग कर दी है, इस पर हम पूरा कट्स लगा देते हैं। तो मैंने देखिए एक साइड से और दोनों साइड से कट्स लगा दिया है, जो मैंने बर्ड्स बनाए बीच में उस पर भी कट्स लगा दिए हैं। इसको मैं उलट कर सीधा कर लिया है पूरा, देखिए मैंने कम्प्लीटली। अब एक सिलाई लगा के पूरा गले को फिर से स्टिच कर देंगे। तो देखिए मैंने कम्प्लीटली पूरे गले को स्टिच कर दिया, आपको वीडियो में क्लियर दिख रहा होगा। अब इसके बाद हम ब्लाउज की ऑल राउंड स्टिचिंग करेंगे, अस्तर और कपड़े को बिल्कुल बराबर करते हुए पूरे ब्लाउज की स्टिचिंग कर लेंगे। तो मैंने कम्प्लीटली देखिए पूरा ब्लाउज स्टिच कर दिया है, अब इस पर मुझे डिज़ाइन करना है सेम इसी तरीके से। तो ये देखिए मैंने बकरम कट कर लिया, आपको डिज़ाइन दिख रहा होगा। ये मैंने साइड में देखिए 5 डिज़ाइन दिए हैं और सेम इस ऐसे ही आप भी कट कर लीजिएगा। सिलाई के लिए एक्स्ट्रा थोड़ा थोड़ा हाफ इंच देखिए मैंने रखा हुआ है साइड में, इस तरीके से आप भी कट कर लीजिएगा। अब इसको हम कपड़े के साथ में ज्वाइंट कर देंगे तो आपको डिज़ाइन अच्छे से दिख रहा होगा। सेम ऐसे ही डिज़ाइन में आपको कट करना है, बर्ड्स बनाने हैं। अब इसको हम कपड़े के साथ में स्टिच कर देते हैं तो बिल्कुल बराबर करते हुए। चलिए देखिए मैं कैसे कपड़े के साथ में इसको स्टिच कर रही हूँ, ऐसे आप भी कीजिएगा। तो हमारा गला जैसे कट किया था हुआ था सेम इसी तरीके से देखिए मैंने इसको कट किया है। तो आप बकरम को गले के ऊपर रखते हुए अच्छे तरीके से मार्किंग करके कट कर लीजिएगा। ये देख लीजिए मैंने स्टिचिंग कर दी है इसकी, इसको हम पूरा देखिए कपड़ा एक्स्ट्रा जो था निकाल दिया है कट करके। अब मैंने अस्तर लिया है, एक बार अस्तर को बिल्कुल बराबर में रख लेंगे कपड़े के, सॉरी डिज़ाइन के। अब अस्तर को बिल्कुल बराबर कर लीजिएगा एक्स्ट्रा जो, इसको पहले हम कट करके निकाल देते हैं।
अब इसको भी हम स्टिच कर देते हैं। ये मैंने देखिए उसका, देखिए मैंने अच्छे तरीके से वीक बना के लगा दिया है बट्स का। इस तरीके से आप भी वीक बना लीजिएगा और इसके बाद इसमें डाल के साथ में स्टिच कर दीजिएगा इस तरह के। ये मैंने एक साइड से स्टिच कर दिया है, दूसरे साइड से भी स्टिच कर लेते हैं पूरा। ये देखिए मैंने कम्प्लीटली स्टिच कर दिया है पूरा। जो हमारा अस्तर लगा है उसको, एक्स्ट्रा वाला, उसको हम कट करके बाहर कर देते हैं। तो मैंने देखिए पूरा अस्तर कट करके पूरा निकाल दिया है और पूरा इस पे हम कट्स लगा लेंगे। अच्छे तरीके से छोटे छोटे कट्स लगा लीजिएगा जितने भी पार्ट्स हों सिलाई के साइड वाले। मैंने देखिए पूरा कट्स लगा दिया है। बीच से हम अस्तर को कट कर रहे हैं, देख लीजिए वीडियो में। इस तरीके से आप भी अस्तर को कट कर लीजिएगा और इसको हम उलट कर पूरा सीधा कर देंगे। तो आपको वीडियो में दिख रहा होगा कैसे मैं सीधा कर रही हूँ, सेम इसी तरीके से आप भी इसको सीधा कर लीजिएगा। ये देखिए मैंने सीधा कर दिया। अब इसको एक सिलाई लगा के हम स्टिच करेंगे। तो देख लीजिए अस्तर को हम नीचे के साइड कर रहे हैं और इसके बाद एक सिलाई लगा के हम इसको स्टिच कर रहे हैं पूरा। ये देख लीजिए मैंने कम्प्लीटली पूरा बर्ड्स को स्टिच कर दिया है। इस तरीके से आप भी बना लीजिएगा, स्टिच कर लीजिएगा। और मैंने दोनों साइड के गले की बर्ड्स को कम्प्लीटली बना दिया है। मैंने ये ब्लाउज़ लिया है, अब इसके ऊपर हमने जो बर्ड्स बनाए हुए हैं उसको बराबर में बिल्कुल रख लेंगे। आपको वीडियो में दिख रहा होगा इसको बराबर में बिल्कुल रख के एक सिलाई लगा के हम बर्ड्स को जॉइंट कर देते हैं। तो मैंने कम्प्लीटली देखिए पूरा बर्ड्स ज्वाइंट कर दिया है एक साइड से। अब इसी तरीके से हम दूसरे साइड से भी कर दिया है। तो मैंने दोनों साइड से कम्प्लीटली पूरा ज्वाइंट कर लिया है। अब इस पर मुझे लेस लगाना है, तो मैंने लेस लिया है और अच्छे तरीके से पूरा साइड में इसके हम लेस स्टिच कर देंगे। आप वीडियो में देखते रहिए, आपको कम्प्लीटली मैं पूरा स्टेप बाय स्टेप डिज़ाइन बता रही हूँ। इसी तरीके से सेम आप भी बनाइएगा, आपका डिज़ाइन बहुत ही अच्छा बनेगा। तो देखिए जहाँ पे मैंने बर्ड्स के पंख बनाए हैं उस पर मैं कैसे लेस लगा रही हूँ, सेम ऐसे ही आप भी लेस लगाइएगा। जहाँ से कॉर्नर हो वहाँ से फोल्ड करके कॉर्नर बना लीजिएगा। अब दूसरे साइड से भी हम बिल्कुल अच्छे से लेस को स्टिच कर देंगे। तो मैंने जो बर्ड्स के देख लीजिए मैंने जो पंख बनाए हैं 5 में है। इस तरीके से आप भी 5 काउंट करके बना लीजिएगा। और लेस को मैंने देखिए कैसे स्टिच किया, सेम ऐसे ही स्टिच कर लीजिएगा। इसी तरीके से दूसरे साइड से भी स्टिच कर देते हैं लेस को। तो मैंने कम्प्लीटली दोनों साइड से लेस लगा दिया है। बर्ड्स की आइस बनाएंगे, तो मैंने गोल्डन कलर की बड़ी वाली मोती लिया है, इसको हम बिल्कुल आइस के पास में स्टिच कर देते हैं।
यहाँ से देखिए मैं कैसे लगा रही हूँ। इस तरीके से आप भी बर्ड्स का आइस बना लीजिएगा मोतियों से। मेरा देखिए एक आइस मैंने लगा दिया है। इस तरीके से हम दूसरे बर्ड्स का भी आइस बना लेंगे। यहाँ पे भी मैं गोल्डन कलर की बड़ी वाली मोती लगा रही हूँ, आप भी बड़ी वाली मोती का यूज़ कीजिएगा। तो मैंने देखिए दोनों बर्ड्स के बिल्कुल अच्छे तरीके से आइस बना लिया है। मेरी डिज़ाइन देखिए कंप्लीट है बर्ड्स वाली। और ये ब्लाउज डिज़ाइन अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा इस वीडियो को। हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको मेरी डिज़ाइन कैसी लगी। और ऐसे लेटेस्ट डिज़ाइन देखने के लिए अगर आपने मेरे चैनल पर पहली बार विजिट किया तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ऐसे लेटेस्ट डिज़ाइनर अपडेट ब्लाउज़ को देखने के लिए, आपके पास से पहले इसे नोटिफिकेशन पहुँच सके। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे अपने अगले वीडियो में नए डिज़ाइन के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय फ्रेंड्स।